रेखा बहन से निवेदन करूंगी कि रेखा बहन एक बार आए। इनके भाई साहब मुझे कल चेन्नई में मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि नीता जी आज आप चेन्नई में हो, कल पादरू में आप जाओगे। मैंने कहा हाँ, पादरू में भी मुझे आमंत्रित किया गया है। रेखा बहन भले आइए आइए, देखिए माता जी ने भक्ति में नासवा में कोई हरम नहीं करनी है। देखो विवाह में मेरे सुरेश भाई क्यों कि विवाह में जरे बैंड बाजा थके हैंग नाचे हैं, तो हाँ तो माता जी की भक्ति है तो हैंगों ने नाचना है। बहन से निवेदन करूँ कि बहन एक बार आए और आप सभी की दोनों हाथ उठा के मेरे साथ में ताली बोल मारे विवाह की जय हो।
मालूम पड़ा है मेरे बड़े भाई श्याम भैया पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपनी हाजिरी दे रहे हैं, है ना। तो अब 5 वर्षों से इस मंच के ऊपर हाजिरी दे रहे हैं श्याम भैया, फोन रखिए एक बार श्याम भाई, फोन रखिए। और मैं चाहती हूँ कि एक बार यहाँ पर हाजिरी देंगे, कौन कौन चाहता है कि श्याम भाई यहाँ पे आके हाजिरी दे, तो बालों का श्याम भैया स्टेज पर भी देखो प्रा है, सब बाल फैलाकर देखो प्रा। आइए श्याम भैया के मन नहीं आवे, खोटी बात करी सोम भैया तो मैं नहीं आवा। श्याम भैया से निवेदन, एक बार आए और इस राज राजेश्वरी कुल अधिष्ठायिका के दरबार में अपनी हाजिरी लगाए। और मैं चाहती हूँ आप एक बार, आप लोग भी आ जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा। आइए आप लोग भी आइए, आप भी आइए, ये जो भी चुंदड़ी बांध रखी है आप भी आइए, ये आनंद का विषय है। ये इंस्ट्रूमेंट की आवाज बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दीजिए मेरे को।